तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज वो दिन, अरे भाई ये मच्छरों ने भारी परेशान कर रखा। हेलो। ओ रुको, आपके लिए रोटी लाते हैं। हाँ तो फ्रेंड, ऐसा है कि भैया बहुत टाइम हो चुका है, तो मेरी जो मार्शल है उसको बहुत टाइम से चालू नहीं किया है। तो आज मेरे पास टाइम था तो सोचा आज अपनी मार्शल को चालू करते हैं। तो चलिए। भैया ये रही हमारी मार्शल, ढकी हुई है घूमट में, और यहाँ पर कुत्ते सो रहे हैं गाड़ी के नीचे। ओए उठ जा बेटा। तो चलिए इसका घूंघट उठाते हैं अब। गठान बांध दिया। तो भैया देख सकते हो करीबन 20-25 दिन से ऐसी ढकी हुई रखी थी, और ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मेरे ख्याल से 1 महीना ऊपर हो गया होगा। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है गाड़ी, और देखते हैं अभी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है इतने टाइम से गाड़ी बंद है तो मे बी इसकी बैटरी तो डिस्चार्ज हो ही गई होगी। अरे तो इसका लॉक सिस्टम भी पुराना हो गया ना, देखते हैं। जय भोलेनाथ। क्लच पे पैर। इमोशनल डैमेज। बैटरी हो चुकी है डिस्चार्ज भाई साहब, बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, क्योंकि बैटरी भी इसमें थोड़ी पुराने टाइम की हो गई थी। तो कोई नई बात नहीं है कि भैया बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सबको पता ही है भैया पुरानी गाड़ियों का सिस्टम आजकल है, मतलब हरी गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम था ये बहुत यूनिक सिस्टम था। दो हुक्स यहाँ से निकालने हैं, एक और ये दो, और ये खुला। ये रहा इसका हैवी सा बोनट, बहुत भारी है, और ये आपको दिख रहा होगा 2523 सीसी का DI इंजन। वाओ। और ये रही इसकी बैटरी, तो अभी बैटरी को हम खोलते हैं। ऐसा था कि मैं भैया बैटरी अगर डिस्चार्ज होती थी तो मैं इसको यहाँ पर मेरे इन्वर्टर से कनेक्ट करके चार्ज कर लेता था, बट हुआ ऐसा है कि इस चक्कर में मेरा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है। तो इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, तो भैया इसको बाहर आफ्टर मार्केट ही करवाना पड़ेगा, मतलब चार्ज करवाना पड़ेगा मार्केट से ही। तो दे के आते हैं बैटरी को मार्केट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई साहब अभी हम बैटरी देकर आ गए हैं चार्ज के लिए, और लगभग लगेंगे उसमें 3 से 4 घंटे। भाई साहब बोल रहे हैं 3 से 4 घंटे आप रख जाओ तो अच्छी प्रॉपर चार्ज हो जाएगी। तो वेट करते हैं कब तक होती है, फिर लेके आते हैं। और आज हिचकियाँ इतनी आ रही है। 6 hours later। तो भाई साहब लग चुकी है बैटरी, और अब हम देते हैं गाड़ी में हल्का सा सेल्फ। लेकिन सेल्फ देने से पहले हम रेडिएटर में वाटर चेक कर लेते हैं। अरे चलो है, कूलेंट डला हुआ है। खोल लेते हैं भाई साहब भोलेनाथ का नाम, और इसमें मारते हैं हम हल्का सा सेल्फ। हल्का नहीं मारेंगे तो जोरदार, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हर मार दिया। भैया यूं ही थोड़ी ना, इस गाड़ी से प्यार है भैया मुझे। इसको अब हम गाड़ी को थोड़ा राउस होने देते हैं, यहाँ पे खड़े रहने देते हैं, जब तक इसकी सफाई का कुछ जुगाड़ मिलते हैं। बारी है अब गाड़ी पे थोड़ा सा पानी मारने की, थोड़ा सा धो लेते हैं। काफ़ी टाइम से गाड़ी बहुत गंदी खड़ी है, तो धोना तो बनता है। देखिए कीचड़ तो निकल रहा है, मतलब गंदी हो तो बाद भी कीचड़ निकल रहा है। लोगों की गाड़ियों में से धूल निकलती है, मेरी गाड़ी में से कीचड़ निकल रहा है डायरेक्ट। थोड़ा सा पानी मारने के बाद कैसी टिमटिमा गई है गाड़ी, वो तो अच्छे से कपड़ा मारना पड़े तो और ज़्यादा चमक जाएगी।
ओ अभी जो हम करते क्या है इसको लेके चलते हैं अब हम हमारी शॉप पर। आवाज सुनो भाई साहब, आवाज सुनो। तो शॉप पर लेके चलते हैं क्योंकि भैया शॉप तो संभालनी है, तो इसको थोड़ा सा वहीं पर रख के साफ करेंगे। नो जैसा कि आपने मेरा व्लॉग देखा था, मेरा वीडियो देखा होगा आपने, इस पर जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मैंने इसका जो रिव्यू किया था, बापरे किया सफा, मतलब मर्द गाड़ी इसको बोले। नो पावर स्टीयरिंग, नो पावर ब्रेक, नो पावर क्लच, मतलब बिल्कुल रॉ गाड़ी। और इंजन भी इसका DI इंजन है, तो DI इंजन को साधा इंजन ही बोलते हैं, तो वो भी सिंपल है बिल्कुल। तो भैया और इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। वही तो, आवाज सुनो भाई साहब, आप गाड़ी की आवाज सुनो। ये आवाज सुनने के लिए भैया कान तरसते हैं। तो थार का ही तो इंजन लगा है इसमें, थार के पहले का मॉडल है ये। साहब ये है रोला अपनी मार्शल का। और भाई साहब अगर आप चाहते हो कि भैया इससे अपन एक राइड पर चलें, मार्शल से किसी राइड पर चलें, तो भैया डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो भैया बिल्कुल चलेंगे। और एक गाड़ी में जो आवाज़ आती है ना, पूरे लोहे की जो आवाज़ है, बहुत सही यार। और भाई इसके बारे में क्या ही बताऊँ, मैं तो पूरा बता चुका हूँ। इस पर जो सेपरेट वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक एक चीज़ को नोट पॉइंट आउट किया था। सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गर्मी बाप रे, AC भी नहीं है इसमें, तो टाटा बाय बाय। चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, वाइब्रेशन देखना है ना, ये वाइब्रेशन के बिना है ना महिंद्रा की पुरानी गाड़ियाँ जो है मतलब इनकम्प्लीट है। मतलब ये वाइब्रेशन अगर महिंद्रा की गाड़ियों में ना हो ना, ये मतलब मार्शल हो गई, मेजर हो गई, कमांडर हो गई, और इवन आज की बोलेरो में भी हल्की सी वाइब्रेशन आपको गियर नॉब्स में दिखती है और स्टेयरिंग व्हील पे भी मतलब फील होती है। तो ये इसके बिना ना महिंद्रा की गाड़ियाँ अधूरी है।